जी सभी पार्टी के लोग आज यहाँ एकत्रित हैं, विधायक साथ ही आज यहाँ बैठे हैं और मैं चौधरी जीसी जी की ओर से सर्वप्रथम बधाई देता हूँ। शरद जी को उनको यहाँ आना था, कारणवश यहाँ कुछ स्वयं शामिल नहीं हो पाए, ये समय की आवश्यकता थी और हमें अब आपको सोचना चाहिए कि विशेष तौर पर लोग मंच पर रहते हैं, आपने अलग अलग समय में अलग अलग स्तर पे इस देश को नेतृत्व देने का काम किया, देश की निगाहें आप भी टिके और सिर्फ इसलिए नहीं कि चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीता जाता है, चुनाव हारा जाता है, सरकार आप बनाते हैं, सरकार आप गिरा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज को दिशा देने का दायित्व आपको दक्षिण भारत से जाए यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन ये सोशल साइंटिस्ट अर्थशास्त्री समय समय पे इन्होंने अध्ययन किया है कि कारण क्या है कि दक्षिण भारत का जो देश का हिस्सा है क्योंकि पूरा देश एक जरूर है लेकिन एक ऐसा नहीं, वो हमसे आगे क्यों है, कुछ क्षेत्र क्यों पिछड़ते जा रहे हैं और विशेष तौर पर आप केरल को देखें, सामाजिक विकास के किसी मानक को ध्यान में आते हुए अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी में जो यूएस में रेट है वो केरल में रेट, हर चीज शिक्षा में कुपोषण क्या कारण, सरकारों को आप बधाई दे सकते हैं कि तमिलनाडु में केरल में क्रांति कैसे आई, सरकारों ने भी अच्छा काम किया, राजनीतिक नेताओं ने भी अच्छा काम किया, जो भी उन्होंने बोला समाज के विभिन्न लोगों ने समय समय पे उसको सीखने का काम किया और आज सुनहरा मौका है, तो सामाजिक क्रांति हमें लानी चाहिए, समाज को दिशा दे रहा हूं, सिर्फ चुनाव की फिक्र, सिर्फ राजनीतिक जोड़ तोड़ में अगर हम लोग लगे रह जाएंगे तो जो दायित्व देश ने हमें सौंपा है आज समय है बोलने, राष्ट्रवादी कौन है, इस देश के मंत्री से क्या कौन करता है, इस देश के हर गरीब के साथ कौन खड़ा है, इसकी अलग अलग परिभाषाएं आज हो रही, बहुत अलग अलग परिभाषाएं हो रही, लेकिन मैं मानता हूं कि जब देश के ढांचे में प्रहार हो, देश के संविधान में प्रहार हो, देश में अनेक में एकता के परंपराओं में अगर प्रहार हो रहा हो, आक्रमण हो रहा हो, अगर आज हमें से एक भी साथी शांत रह जाता है तो शायद सबसे बड़ा देश हो, इसलिए हमें की आवश्यकता थी, राजनीतिक हालात भी कुछ ऐसे हैं, हम शरद जी ने इस अवसर पर सबको इकट्ठा कर, आपने चौधरी शरद सिंह जी के साथ बहुत समय बिताया, हमेशा सफलता तो नहीं मिली, वो कठिन दौर था, लेकिन आज तो एक धारणा बन रही कहा जाता है कि हमें देश को जोड़ना, पूरा देश एक होना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तालियां बज रही है, उनकी बात अच्छी है, देश एक है, लेकिन सरकार के कर्मियों कहने से एक नहीं, हमारे खून में हमारे दर्शन और पांच साल की यदि परिभाषा उनको करनी थी तो चुनाव पर था लोकसभा पर तीन साल हो गए, लेकिन नारा बहुत अच्छा, बात बहुत अच्छी की, प्रधानमंत्री जोड़ने की बात करते हैं तो उसमें दो डू उस बात को कोई काट हम लोग नहीं ढूंढना चाहते, हम उनकी लड़ाई में लेकू निरंतर एक है और एक साथ रहे, लेकिन सवाल ये उठता है क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा और पश्चिम में क्या एकता का मतलब ये है कि एक ही भाषा एक ही जो है
बोलचाल रहन सहन वेशभूषा संस्कृति विचार राजनीतिक मंच एक ही होना चाहिए। पार्टी के नेता मौजूद जो नारा दिया जा रहा था पहले कहा था कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है विपक्ष मुक्त भारत की नींव रखना चाहती है। जो हमारे पुरानी कहावत थी कि कोस कोस पानी बन गए चार कोस पे पानी आप भाषा के माध्यम से नहीं खोल सकते। ये हमारी संस्कृति की महानता हमारी विविधता में है। सद्भाव की जो भावना है जो हमारी परंपरा है उससे हमारी संस्कृति साथी रियासत का नारा आज हम सब लोग सम्मिलित हैं। चुनौती भी बहुत बड़ी है क्योंकि इससे सामना हमें करना बहुत ताकत है। रामलाल का नारा दिया था यूपी वालों को यमराज की याद दिला दी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चलता है एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा। भ्रष्टाचार से चलता है कि एटीट्यूड मानसिकता को हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर कोई एक भाई दूसरे भाई पे मार करता है ये कहकर कि गाड़ी लंबी है तेरा पजामा छोटा है गाय को कहां लेके जा रहा है तो ये भय कहां लेके जा रहा है तो कौन सी भाषा बोल रहा है और उस पे वार कर देता तो क्या चलता है। अगर देश के स्वतंत्रता के पर्व के कुछ ही दिन पहले खबर आती है कि 70 बच्चे 70 साल हो गए 70 बच्चे अस्पताल में मर जाते हैं और उसे कहा जाता है कि हादसा है हादसे होते रहे हैं होते चले आएंगे आगे बताए जाते हैं क्या ये चलता है। एक स्वर में आज हम कहना चाहते हैं कि ये नहीं चलता ये गाड़ी चलने वाली और इसलिए आज हम सब एक संकल्प है। संकल्प की बहुत बात हो गई। एक को जो सरकार ने संकल्प किए थे 3 साल पहले हम सबको कहीं ना कहीं याद दिलाना चाहिए। मैं मन में उम्र में सबसे और इसलिए मुझे नौजवानों का वादा करती हूँ कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हर महीने 1 करोड़ 20 लाख नौजवान वर्कफोर्स में और शामिल हो रहे हैं और सरकार का आंकड़े नहीं। अभी 2015-16 का जो लेबर सर्वे आया उसमें कहा कि 3.7% है बेरोजगारी देश में। क्या इन आंकड़े को आप सुधार कर सकते? इसका तरीका मैं बता देता हूं। अगर आपने 1 साल में 30 दिन भी काम कर लिया तो आप बेरोजगार और उस आधार पर 3.7% हम सब लोग जानते हैं जनप्रतिनिधि हैं राजधानी के समीप किसी गांव में जाकर देख लीजिए सुबह और शाम अगर आपको 300 घंटे ऐसे चोरी बेकार चलते फिरते ना मिल जाए और अगर उनके काम ना मिले तो कह रहे कि सवारी आ गई इस पे चल जा आग लगानी है 500 रुपये की गाड़ी मिलेगी। तो बात यह देश का कि वो जो युवा शक्ति है जो ऊर्जा उनके अंदर है उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि त्योहार का मतलब ये होता है त्योहार का मतलब ये होता है कि अगर आप हिंदू वादी हो तो झंडा लेकर निकल पड़ो और हर एक के चेहरा में वो झंडा लेते चलो और राम जी का नारा लेते चलो और जो अगर आपके साथ नारा नहीं ले बोलेगा वो देश का हिस्सा नहीं वो देश का अंग नहीं। अगर हमारा देश वाकई एक है और हमारा एक बदन है अगर एक अंग में चोट लग जाती है एक अंग बीमार हो जाता है तो रोग पूरे बदन में फैल जाता है। परिभाषा को नकार करके आज हमें संकल्प में यहाँ से जा रहे वैसे तो 4 गोष्ठी होनी थी गोष्ठी का रूप सम्मेलन में तो 3 हो गया क्योंकि इतना व्यापक जन समर्थन था कम समय की बधाई की बात और मैं अभिवादन करता हूँ सत्ता को पूरा है। लेकिन एक संकल्प लेके जाए कि यहाँ से निकल के आप लोग जाए और ये सब नेता बैठे इनको तय करना है क्या आपका जवाब में आना है गोष्ठी से लेकर बूथ तक क्योंकि ये लोग जो जिनसे सामना हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं आप जंतर मंतर में बैठे रहे हो हजारों के हजारों में लेकर धरने में बैठे रहो क्या हुआ मंडसौर में ये कोई जवाब नहीं मांगते ये सिर्फ देखते हैं कि हम
इसलिए हम सबको यही उपाय करना होगा कि कैसे मिलकर वही बोलती दे देंगे मूल तक जो ये नारा क्या है सारी विरासत बचाओ ये हर एक व्यक्ति की जुबान में वहां तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। एक एक यहाँ से प्रण ले और निकले पूरे देश में जो लोग आ रहा है चाहे सहारनपुर की घटना लिंग भेद जाति भेद यही नहीं यूके तक आरएसएस का संगठन यूनाइटेड किंगडम कानून बनाना चाह रहा है जातिवाद के लिए वहां भी आ गए लोग। मेरा यूनिवर्सिटी का एक छात्र राहुल चौधरी अगर रोज मरुंडा हो जा सकते हो तो राहुल चौधरी का नाम सीनो प्रोफेसर का नाम लेकर चला गया कि मेरे जाति के कारण जो है मुझे गरीब किया जाता था उसने आत्महत्या कर ली थी या चार दिन पहले हम लोग संकल्प ले यहां से निकल के जाएंगे जो आ लगाएगा जो ये नंगा तांडव करेगा नफरत का तांडव को तोड़ने का काम और शांत करने का काम यहां मौजूद अरे लेते हो कि नहीं लेते पंजाब की बात है।